नमस्कार भाइयों, हाल फिलहाल कुरुक्षेत्र पीपली में बैठे हैं और पहले भी आपने वीडियो देखी है, रोड जाम कर रखा है किसानों ने। मामला एमएसपी का था जिसके तहत गुरनाम सिंह चढ़ूणी को गिरफ्तार कराया गया, जेल के अंदर डाला गया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया। ये दो बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, ये उस दिन भी साथ थे, आज भी हैं, लगातार किसान आंदोलन में बने हुए हैं, लठखाना में भी साथ थे। नमस्ते जी। नमस्ते जी सभी को। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ। अरे तो ये बताओ कि आज का क्या फैसला रहा? आज तो फाइनल ये कॉल के लिए बोला गया था, कुछ ना कुछ फाइनल करेंगे। देखिए, किसान तो फाइनल कॉल क्या इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार झुकने को ही तैयार नहीं है। सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो किसानों ने भी अपना फैसला ले लिया है। अब जब तक एमएसपी नहीं मिलती, परमानेंट हाईवे को जाम कर दिया गया। ये कब तक रहेगा? ये जब तक एमएसपी नहीं मिलती। 100% लगता तो मुझे यही है कि 100%। देखो, जब तक कह तो यही रही है, हमारी कमेटी यही कह रही है कि भाई जब तक सरकार नहीं झुकती, जब तक परमानेंट ही यहाँ पक्के टेंट भी लगाने शुरू कर दिया, पक्का धरना चालू कर दिया गया है। अच्छा, एक बात पूछ लें। हाँ जी बोलो। आज जो ये क्या सभी ग्रुप्स थे? सभी किसान संगठन थे, सभी मजदूर संगठन थे, सभी संगठन थे, सारे इकट्ठे थे। हाँ जी बिल्कुल। अब इसकी अगुवाई किसने करी? सभी संगठनों ने इसकी अगुवाई करी है, संयुक्त मोर्चा ने इसकी अगुवाई करी है। कोई टीम, नई टीम तैयार गठित करी होगी, महिलाओं को आगे लड़ाने की कुछ बातें चल रही थी कि आप आगे कुछ लड़ोगे, तो उसका क्या रहा? देखिए, वो तो जिसका तो आप लोग संभाल रहे थे। नहीं, सभी संभाल रहे थे, महिलाएं भी संभाल रही थी, जेंट्स भी संभाल रहे थे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आज डर नहीं लगा कहते? आज भी लट लग गया। डर लगता था भाई, आड़े ताई पहुँचते ना, डर के लगना है। ये भी सरकार का था, मनीषा लागे है, कोई भी जिस तरह मांग पूरी हमारी, जब तक हम शहीद नहीं हो जाते, हमारे दो चार किसान या लाठी चार्ज तक हमारे घायल नहीं कर देती सरकार, जब तक बात सुनने को ही तैयार नहीं है सरकार। सरकार तो होगी सोजूत खाओगी जब मानेगी। गिरफ्तारी तो गुरनाम चढ़ूणी जी तो अंदर ही है, गिरफ्तारी हो रखी है, क्या और गिरफ्तारी होने का इंतजार करा किस तरीके से? अकेले गुरनाम सिंह चढ़ूणी अंदर नहीं है, हमारे किसान कई और भी अंदर हैं और कई बुरी तरह जख्मी हैं और एक शहादत भी हो चुकी है। चढ़ूणी साहब के ऊपर 307 की धारा लगाई, बताओ वो क्यों लगाई? ये देखिए आप, जो सरकार के ऊपर धारा लगनी चाहिए वो किसानों के ऊपर लगा रहे हैं। लाठी चार्ज भी सरकारी करवाती है, ये इसका तो ये हो गया शासन भी इनका और प्रशासन भी इनका, और दोनों किसानों के सिर चढ़ के बोलते हैं ये। आप ये बताइए, मैंने एक एसपी था, क्या डीएसपी था, उसका बयान सुना था, इन्होंने पथराव कर दिया किसानों ने और उस वजह से किसान घायल हो गए। तो आपने भी इनकी कई वीडियो देखी होंगी, कितनी बुरे तरह से मार रहे हैं किसानों को, और वो लाठी भी पुलिस की नहीं है, वो लाठी भी आप देख सकते हो वीडियो में। और आप ये देखिए, हाईवे पे पत्थर कहाँ से आगे? तो इसके मतलब पहले से तैयारी थी? तो प्रशासन पहले से ही तैयारी करके रखता है, और ये तो प्रशासन की चाल है, और कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहे हैं। आप किस ग्रुप से हो? मैं भारतीय किसान यूनियन से ढूंढ। क्या पता आपका? मैं ममता का दंड जिला अध्यक्ष जज्जर। ये सोनीपत से। मैं अनीता सांगवान, जिला सोनीपत अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूणी संगठन से। भाई कब आए थे यहाँ पे आज? हम कल से आए हुए हैं हम भाई यहाँ पे। कल से यही? हाँ जी भाई। लास्ट तक भाई, बिल्कुल आर पार है इस बार। कुछ भी हो जाए भाई, क्योंकि एक बार तो मेरा दो ऑपरेशन हो लिए घुटने के, इस आंदोलन आए हुए हैं। लठ लाख का भाई असंध में होया था भाई, जब ये टावर नहीं लगाए गए थे किसानों के खेतों में, तो तब। आपका कहना मतलब ये है कि पुलिस के लठ खाने से ऑपरेशन करवाना पड़ा था? हाँ जी, लेकिन मतलब उसी धक्का पेल में, या सरकार ने जो हमारे साथ ये किसानों के साथ धक्का पेल कर रखी है भाई, मजबूरी है किसान की, कोई आना नहीं चाहता, देखो अपना घर को कोई छोड़ के कुछ नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। लगा लो तकती धूप में किस तरह बैठे हैं, तो आप भी समझ सकते हो क्योंकि आप भी हमारे साथ रहते हो। तो वही बात है, सरकार तो ये जुमलों की सरकार है, झूठ बोलना ही किस मतलब चढ़ूनी पे 307 लगा दी, तो हम सरकार से पूछना चाहते भाई किस उससे लगाई उन्होंने, वो तो नहीं अच्छा था, उसने किस पे वार करा, किस पे क्यों करा, तो 307 तो बनता ही नहीं। तो ये तो वही बात है ना, सरकार को सिर्फ दबाने की कोशिश कर रही है, पर ये किसान ऐसा जितना उसको दबाएगा वो उतना ही नहीं करके आएगा। महिला शक्ति कितनी आई, थोड़ा नजदीक करो इसको पहले। महिला शक्ति काफी है भाई। कितनी है मतलब? होगी 10 महिला? नहीं भाई, 10 तो नहीं, 100 के करीब थी, आपने देखा भी था, 100-150 तो था ही। आप लोगों को आंदोलन जी भी बोलते हैं लोग?
कोई नहीं भाई, अपना हमें गर्व है ना इस चीज में, हम अपने लिए लड़ रहे हैं ना, अपने अकेले लिए लड़ रहे हैं, कोई हम किसी से भीख तो मांग नहीं रहे। एमएसपी हम जितना खेती करते हैं ना, किसान को उसकी मजदूरी भी मेहनत भी नहीं मिलती भाई। और ये सरकार चाहती है कि किसान उसी फटे कपड़ों में और टूटी चप्पल में रहे। तो ये सर एमएसपी की मांग आपकी वो मांग है जो 13 महीने तक हम रोडों पर बैठे रहे थे जी भाई, जब भी नहीं मानी थी, और वो तो आंदोलन इस लेवल पे चला गया था कि वहाँ से सरकार कुछ भी आपकी जो मांगे हर मांग सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन जब वो आंदोलन जो है पूरा पूरा इस तरीके से खत्म किया गया, आप लोगों के ऊपर आरोप भी लग रहे थे कि किसानों को नया भेज दिया गया है, अब फिर से उसी मांग को लेकर क्या लगता है जब 13 महीने बैठे रहे। ये एमएसपी का जो है ये कोर्ट में 2012 में चला था, और किस कोर्ट ने आज तक भी कुछ उस पर सुनवाई नहीं करी है। तो कहीं भी कुछ भी, जैसे अब हम रोड पे आ गए, अब आ जाएगा कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, तो किसान को ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? किसान ने जो अपना समर्थक मूल्य मांगा है तो सरकार उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर? अब तक कोई बातचीत का कोई सलूशन नहीं, अब तक कोई भी नहीं, कुछ भी सलूशन नहीं हुआ भाई, सरकार का नुमाइंदा अब तक आया ही नहीं, बस आया ही नहीं है कुछ, जाम लगाने के बाद भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं भाई। वो बस हाँ जी, जो है रिहाई की भी बातचीत नहीं भाई, रिहाई की बात नहीं है, हम एमएसपी मांग रहे हैं, हम नहीं चाहते कि चाहे हमारे पर चाहे हमें भी जेल में डाल दो, हमें रिहाई नहीं चाहिए प्रधान जी की, हमें एमएसपी चाहिए, और एमएसपी की ही लड़ाई है, और जब तक एमएसपी नहीं देगी ये सरकार, हम ऐसे ही रोड पे अपना जाम लगाए बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपसे सीधे सीधे एक सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, प्लीज़ डेफिनेशन समझाओ हमें एमएसपी की। न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए हमारे को, आम किसान को तरीके से समझो, आप किसान इस वीडियो को देखा है तो तरीके से समझो। आप ये देखिए, आप कहीं भी जाते हो, एक पार्ले जी का बिस्कुट ही आप देख लेना, क्या आपको किसी दुकान पे 4 रुपए का, किसी दुकान पे 3 रुपए का मिलता है? वो उसकी भी एमएसपी निर्धारित है, वो 4 रुपए का ही मिलेगा, तो किसान की एमएसपी निर्धारित क्यों नहीं है? आप चाहते हो हर फसल की, चाहे वो कौन सी भी हो, उसकी एक पक्की वैल्यू हो? बिल्कुल चाहते हैं, ये चाहते हैं। हाँ जी, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने हमारे को गुमराह कर दिया था कि इस पे कमेटी बना दी, तब ये कृषि कानून लेके आए थे काले, तब कहीं ना कहीं हमारे किसान आगू इनके जासे में आ गए, जैसे 15 लाख खाते में आए थे ऐसे ही वो कमेटी बनाई थी, लेकिन कागजों में तो लागू है लेकिन मिल तो नहीं रही। आप ये देखिए, 6000 से ऊपर की सूरजमुखी को और 4000 से कम से के भाव में ले रहे हैं। अब फिलहाल सिर्फ सूरजमुखी का रोल आ गया या टोटल फसल? देखिए, आज तो सूरजमुखी का रोल आया, लेकिन हमारे को तो सभी फसलों में एमएसपी चाहिए। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे को तो बगैर एमएसपी कुछ भी नहीं मिलता, तो किसान किस इतनी सस्ती कैसे फसल होगी कि कहीं ना कहीं सभी फसलें उसको बगैर एमएसपी के खरीद रही है सरकार। क्या हमारे देश में दो तरह के किसान है क्या? एक किसान ऐसा जो कभी आता ही नहीं है, एक किसान ऐसा जो रोड पे रहे है। कौन कहता भाई, ये 13 महीने आंदोलन ऐसे ही जीत लिया? बहुत सारे मैं ये पूछना चाहती हूँ कृषि मंत्री से, सरकार में सब मंत्री तो नहीं होते ना, कुछ एमएलए भी होते हैं, कि किसान को उनके बेटे यहाँ पर आए हुए हैं, ये घर पे जाएंगे तब दूसरे बंदे आ जाएंगे भाई साहब। तो जी, अब फाइनल कॉल ये है कि जब तक एमएसपी फाइनल नहीं हो जाता रोड जाम, बिल्कुल एमएसपी नहीं मिलती जब तक परमानेंट पक्के टेंट लगा दिए जाएंगे, पक्का धरना लगा दिया जाएगा, बिल्कुल 13 महीने वाला आंदोलन दोबारा। देखिए वही ये पीपली है जहाँ से किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, आज भी वही पीपली है जहाँ से एमएसपी की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या बोलना चाहिए? मेरी तो सभी से हाथ जोड़ कर यही अपील है, सभी संगठनों से, किसान मजदूर संगठनों से, किसान नेताओं से, किसानों से, मजदूरों से, कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने हकों की लड़ाई में समर्थन करें, ये एमएसपी आपका हक है। और मैं तो ये कहती हूँ, आज ये किसान की बारी है, कल ये आपकी बारी भी होगी। वो कह रहे हैं कि आप विपक्ष का काम कर रहे हो, विपक्ष इतना कमजोर हो गया क्या? आप ये बताइए भाई, विपक्ष का काम हम क्यों करेंगे? विपक्ष हमारी गल कितना कर रहा है, सरकार या नहीं देखती? जो विपक्ष बैठे आ रहा है, हम तो विपक्ष तभी कहाँ? अगर आज आप हमारा साथ नहीं दे रहे तो आप किसे बहम मत रही हो, 2024 में या सरकार इलेक्शन भी नहीं होने देगी। विपक्ष अगर मजबूत होता तो आज किसान क्या दुर्दशा होती? विपक्ष तो मर चुका है, सड़ चुका है उसका जमीर भी, विपक्ष का भी, दोनों के खिलाफ हो। हम तो सभी के खिलाफ है, हम तो सिर्फ किसान के साथ है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। एक बार तो ये लूट के खा जाते हैं, एक बार सत्ता लूट के खा जाती है, एक बार विपक्ष लूट के खा जाता है। आएगा कोई ना कोई इसमें से, इसका क्या इलाज है? अगर आज भी हमारे देश के लोगों का जमीर जिंदा नहीं होगा,
तो कहीं ना कहीं ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा जो अब दोबारा इनको सत्ता परिवर्तन। मैंने एक वीडियो डाली थी जब रोड जाम के लिए निकले थे उस समय, वो काफी वीडियो वायरल हो रही है, उस पर बहुत सारे कमेंट नीचे ये हैं कि इन गलत मारो इनको बताओ, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्या बोलो? मैं तेन कहूँ भाई सरकार तो ना कर सकती, करा तुम यो काम तब मैं कर लो, तब मैं कहीं ना कहीं हम तो अपने आप ने भाग्यशाली समझांगे अगर हम आडर रोड पर बैठ कर शहीद हो जाए। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई।